हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्त, हम सभी लोगों ने एक सूटेबल टाइम बनाए हैं और उस टाइम के लिमिट से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग रात्रि को 9 बजे वीडियो को अपलोड कर रहा है, तो हम आपको बताए थे कि रात में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन रहेगा। पहले हम क्वेश्चन नहीं चलेंगे, पहले टाइप चलेंगे। तो टाइप को यहाँ पे देखिए, एक एक टाइप को हमने बताएंगे, समझाएंगे, और ये समझने के बाद आप लोग जहाँ से भी क्वेश्चन बनाने के मन करे वहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात, ठीक है, अनुपात और समानुपात, क्लियर। इसमें देखिए टाइप वन चलेंगे पहले। टाइप वन में पहला वीडियो जाएगा, टाइप वन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अगर अनुपात समानुपात से क्वेश्चन चलते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कैसे ही बनता है। ए अनुपात बी इजक्ल टू 2:3, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है बी अनुपात सी इजक्ल टू 1:2, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी इजक्ल टू व्हाट, क्या होगा। तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखिए हमको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कि इस घर में आदमी दो है, ए और बी, और इस घर में बी और सी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति के नाम बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए इसमें कि दोनों घर में उपलब्ध हो, अवेलेबल हो। तो ये बी अवेलेबल है ना, तो ये तिरछेद ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इजक्ल टू हो जाएगा। पहला ए है तो ए को निकालना है, तो पहले बाएं साइड वाला मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 2 इजक्ल टू कितना, 2, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब देखेंगे कि ये बी भी निकालना है, तो बी भी तिरछे है ना, तो तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 3 इजक्ल टू कितना, 3, मल्टीप्लाई कर दिए। और लास्ट में क्या बचा है, सी, और सी को निकालना है, सी को निकालना है तो राइट साइड वाला जो है ना दोनों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 3 × 2, 3 × 2 का कितना होता है, 6। अगर देखा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर कितना, रेशियो कितना, 2:3:6, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि ए रेशियो बी इजक्ल टू 3:4 दिया हुआ है, और वी रेशियो सी दिया हुआ है 5:6, ठीक है। तो यहाँ से फिर निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी इजक्ल टू, पहला व्यक्ति कौन है, ए है, ए को निकालना है, तो शुरू वाला ए बाएं साइड वाला जो है ना, बाएं साइड वाला ए है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 35 कितना होता है, 15। अब चलिए यहाँ से तिरछा बी है ना, तो इसको तिरछा गुना कर दीजिए, 4×5 इजक्ल टू कितना, 5×20 रेशियो, और सी लास्ट में है तो सी को निकालने के लिए लास्ट वाला गुना कर दीजिए, 6×4 कितना होता है, 24। अब ये कटने वाला होगा तो कटाकर छोटा कर सकते हैं, और देखिए नहीं कटने वाला है तो कटाकर छोटा नहीं कर सके, इसलिए कटेगा ही नहीं एक डिजिट से। तो अगर ये 5 से कटेगा तो ये भी 5 से, तो ये 5 से कटेगा नहीं। अगर ये 2 से कटेगा ये 2 से, तो ये 2 से कटेगा नहीं। अगर ये 3 से कटेगा तो ये 3 से, ये 3 से कटेगा नहीं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर कितना हो जाएगा, 15:20:24, ठीक है। अगला टाइप चलेंगे, 2 चलेंगे। देखिए टाइप नंबर 2 का कहानी कैसे है। पहला क्वेश्चन दिया रहे कि ए अनुपात बी इजक्ल टू 2:3, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाए कि बी अनुपात सी दिया रहे 4:5। तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए रेशियो सी इजक्ल टू क्या हुआ, क्वेश्चन कर रहा था कि ए रेशियो सी इजक्ल टू क्या हुआ, यही आपको निकलना है, बी नहीं निकलना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि यहाँ से बी भी कॉमन है ना, यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तो ए का पहला ए का वैल्यू निकालना है रेशियो,
तो पहले बाएं साइड वाला, पहले बाएं साइड वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चार गुना दो कितना, चार दूनी का आठ, ठीक है। और यहाँ से बी बी कॉमन है तो बी बी को घुमा गुना कीजिए वैल्यू को, तो चार गुना तीन कितना, चौथी रिका बारह। और यहाँ से लास्ट में सी है तो लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाँच गुना तीन कितना होता है, पाँच गुना तीन कितना होता है, पंद्रह। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि हमको बी को नहीं निकालना है, तो बी को हटा दीजिए, तो यहाँ से निकल जाएगा ए और सी का वैल्यू, ए का वैल्यू आठ और सी का वैल्यू कितना, पंद्रह। अगर ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रेशियो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा था कि ए अनुपात बी इजकल टू थ्री रेशियो फोर, थ्री रेशियो कितना दिया है, फोर दिया है। और यहाँ से दिया है बी रेशियो सी इजकल टू, यहाँ से फाइव रेशियो, यहाँ से सेवन दिया है, क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था कि ए रेशियो सी निकालना है, तो अब बताइए कि जब ए रेशियो सी निकालना है तो बी का तो काम नहीं है, है क्या काम, नहीं ना, तो बी को छोड़ दीजिए, बी का काम नहीं है। तो ए का पहलू निकालना है, रेशियो निकालना है, तो पहले वाला गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाँच गुना तीन इजकल टू कितना, पंद्रह, क्लियर। अब लास्ट में बी को, ये बी को नहीं निकालना है, अब लास्ट वाला सी को निकालना है, तो सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सात गुना चार सौ चौदह का कितना होता है, अट्ठाईस। और यहाँ से आपका कटने वाला होगा तीन से, तो काट देंगे, ये तीन से पाँच और ये तीन से कटेगा, नहीं ना, अगर ये पाँच से कटेगा तो ये तो पाँच से कटेगा नहीं, तो ए रेशियो सी का कितना हो जाएगा मान, यहाँ से पंद्रह रेशियो कितना, अट्ठाईस, ठीक है। ये दो वीडियो आप, ये दो आपका टाइप लेकर आए थे, और टाइप नंबर थर्ड जो है ना कल वाला वीडियो में अपलोड करेंगे।